हवाले से खसूसी नशरियात अहमद न्यूज़ HD की। इस वक्त बच्चों ने काफ़ी मेहनत की हुई है, पहाड़ियाँ बनाई हुई हैं। आज उनकी पहाड़ियों को अप्रिशिएट करने के लिए, उनके एफर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए हमारे अहमद न्यूज़ के चेयरमैन रेहान रानी साहब हमारे साथ हैं। बच्चों से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक। ये पहाड़ी आपने बनाई है? सारे दोस्तों। वेरी गुड, वेरी नाइस। इधर बेटे आपने बनाई है? सारे कजन और दोस्तों ने मिलके। ये आपका गिफ्ट है, ठीक है, आपको अप्रिशिएट करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर को? थैंक यू। हाँ भाई कैसे हो? कहना बहुत कुछ चाह रहा है लेकिन अल्फाज नहीं है बच्चे के पास। कैसे हो भाई? इसकी स्माइल ने सब कुछ कह दिया। वेरी नाइस। जी नाज़रीन, ये आप पहाड़ी देख रहे हैं, ये भाई ने बनाई है, बहुत ही एफर्ट की है, जबरदस्त, बहुत प्यारी लग रही है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अदील अब्बास। अदील अब्बास, ये आपने मेहनत की है, अकेले थे या दोस्त भी साथ थे? ये तो करनी थी हजूर मेरे की महफिल की, मतलब विलादत थी, और हम तो रेहान रानी साहब आपको एप्रिसिएशन के लिए आपको गिफ्ट हैम्पर देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच रेहान भाई, हमारे लिए तशरीफ लाए हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हमेशा खुशियाँ दें और तरक्कियाँ दें और ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमाएं। बिल्कुल, थैंक यू, वेलकम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? मोहम्मद शाहजेब सर। शाहजेब साहब, आपने पहाड़ी बनाई है, एफर्ट किया, आप अकेले थे या दोस्त साथ थे? साथ में सब दोस्त ही थे। अच्छा, आज MR न्यूज के चेयरमैन रेहान रानी साहब यहाँ पर हैं, आपको अप्रिशिएट करने के लिए गिफ्ट देना चाहते हैं। अल्लाह आपको ऐसी खुशियाँ दे और आप ऐसी मेहनत करें, अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरीन करे। बहुत मेहरबानी जनाब, आपको शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? इजाज़ अहमद। इजाज़ अहमद, आपने ये एफर्ट की है, पहाड़ी बनाई है, 12 रबी अव्वल को सेलिब्रेट किया है, MR न्यूज़ के चेयरमैन रेहान रानी साहब आपको प्राइज़ देना चाहते हैं। मैं हम तमाम दोस्तों को यहाँ तशरीफ़ आवरी पर शुक्रिया अदा करते हैं, खासकर रेहान रानी साहब का जो हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए, और सब दोस्तों को 12 रबी अव्वल की जश्न मुबारक। मेहरबानी जनाब, तमाम दोस्तों का शुक्रिया। जी नाज़रीन, लैया में इकबाल साहब हैं, काफ़ी एफर्ट के साथ इन्होंने पहाड़ी भी बनाई, बहुत खूबसूरत अंदाज में अपनी मोहब्बत का इजहार किया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातुह। इकबाल साहब, चेयरमैन MR न्यूज़ रेहान रानी साहब आपको इस एफर्ट के हवाले से इनाम देना चाहते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। ठीक है जी, थैंक यू, शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे, बड़ी मेहरबानी सर, हौसला अफजाई की शुक्रिया। इस वक्त हम जनाब पार्क के साथ मौजूद हैं और यहाँ पर जो है लैया वालों ने बहुत ही प्यारे अंदाज में 12 रबी अव्वल के हवाले से ये सजावट की है, ये पहाड़ियाँ बनाई हैं, और ये इन चीज़ों की सजावट जो है उनके दिली जज्बात को, उनकी मोहब्बत का जो है एक मुंह बोलता सबूत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से वो कितना खुश हैं। 1400 साल गुजरने के बाद भी उनके जो जज्बात हैं, उनके जो एहसास हैं, वो जो है जोश व खरोश उनका नज़र आ रहा है। इसी हवाले से बात करेंगे, जिन्होंने ये एफर्ट किया उनसे बात करते हैं और मज़ीद जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।
आपका नाम सर? सैफुल्ला। सैफुल्ला साहब, ये एफर्ट आपने की बहुत अच्छा लगा, और आज हमारे चेयरमैन एम आर न्यूज़ के रेहान रवानी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। ये जी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सब उनकी करम नवाजी है कि हम तो गरीब लोग हैं इस माहौल में और इस दुनिया में ये नहीं कर सकते, लेकिन ये सब उनकी करम नवाजी है। मेरी तमाम मुसलमानों से ये अपील है कि जितना दिली जज्बा हो सके और इश्क हो सकता है प्यार मोहब्बत के साथ, ये अकीदत और एहराम के साथ जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाने की अल्लाह पाक हमें तौफीक दे। मैं कहता हूँ कि जिसके दिल में रसूल पाक का इश्क है वो कभी गरीब नहीं हो सकता, वो अमीर है और दुनिया के अमीरों से भी वो अमीर है। तो इसी वाले से मजीद हमारे भाई साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। सर आपका नाम? सरवर अली। सरवर साहब, क्या कहेंगे इस खास मौके पर, कोई खास पैगाम? माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम है हमारी मार्केट का, रल मिल के हम प्यार मोहब्बत से इंशाल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मनाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। नाजरीन, इस मार्केट में दाखिल होते वक्त जो खुशबुएं मुझे मैंने इंजॉय की हैं, वो इन दोस्तों की मोहब्बत, इनके दिली जज्बात और इनकी ये जो मेहनत है, इसकी वजह से ये माहौल जो है मुअत्तर हुआ हुआ है और आज की रात जो है बहुत ही अच्छे अंदाज में मना रहे हैं। जी सर, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं 12 रबी अव्वल की मुबारकबाद पेश करूँगा, और दूसरे नंबर पर मैं अप्रिशिएट करूँगा कि आपने इतना एफर्ट किया है, और अल्लाह ताला आपको मज़ीद खुशियाँ दे और तरक्कियाँ दे, और मेरी तरफ से ही आपको गिफ्ट। बिलावल के हवाले से आई थिंक ये हमारे टोटल ट्रांसमिशन की जो है बेस्ट एफर्ट है, और बेस्ट जो ये पहाड़ी है, बेस्ट जो ये सेलिब्रेशन है 12 रबी अव्वल की इन भाइयों की तरफ से। इनसे बात करते हैं, मज़ीद तफ़सीला जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? फरमान अहमद खान। फरमान अहमद खान, ये एफर्ट आपने अकेले की या दो साथ? ये भाई और कज़न ने मिल के की है। माशाल्लाह ज़बरदस्त क्रिएटिव, काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें मैंने देखी हैं यहाँ पर। ये जो आइडियाज़ थे ये पुराने, मतलब हर साल आप करते हैं या इस साल एक्स्ट्रा किए हैं? हर साल चेंज करते हैं, और हमें हमारे दिल में लगन होती है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसलिए हम उसको बढ़ चढ़ के करते हैं। माशाल्लाह, हमारी सारी टीम की तरफ से बहुत ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन इसके लिए, बहुत आला। और रेहान रवानी साहब हमारे एम आर न्यूज़ के चेयरमैन हैं, ये अपनी मोहब्बत का इजहार एक प्राइज़ की सूरत में करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा जश्न ईद मिलादुन्नबी की, और अप्रिशिएट करूँगा, उसकी वजह से मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे और ऐसे तरक्कियाँ करते रहें।
जी नाज़रीन, आशिकाने मुस्तफ़ा की तरफ से ये खूबसूरत सिलसिला जारी है, खूबसूरत सेलिब्रेशन और ये एफर्ट जो है आप देख रहे हैं ज़बरदस्त पहाड़ियों की सूरत में ये वेल डेकोरेटेड जो माहौल बना हुआ है बहुत ही अच्छा लग रहा है। 12 रबीउल अव्वल की सेलिब्रेशन हो रही है और हमारे एमआर न्यूज़ के चेयरमैन रेहान रानी साहब इस कारवां को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और ये एक और दोस्त को इस सेलिब्रेशन के हवाले से एक सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं। शुक्रिया जी नाज़रीन, 12 रबीउल अव्वल इंतहाई अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त हम मोहल्ला बीलेवाला में मौजूद हैं। आप स्क्रीन पर जो पहाड़ी देख रहे हैं ये मोहल्ले बीलेवाला के एफर्ट है, मोहल्ले बीलेवाला की जो है बच्चियों ने ये खूबसूरत पहाड़ी सजाई है और ख़ूबसूरत अंदाज में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अकीदत मोहब्बत का इजहार किया है। तो हमारे साथ अंकल मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और मज़ीद जो है तफसीलात उनकी मोहब्बत उनकी अकीदत जो है आप तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? अस्सलाम मोहम्मद। सर, आज के दिन की मुनासबत के हवाले से क्या कहेंगे? बहुत खुशी हुई। 12 रबीउल अव्वल पर हमारे नाज़रीन को कोई ख़ास पैगाम देना चाहेंगे? हमने पहुंचाया आज की हमारी ट्रांसमिशन इस हवाले से थी। हमारे चेयरमैन रेहान रूहानी साहब हमारे साथ थे इस ट्रांसमिशन में और तमाम तर जो पहाड़ियां सजाई गई थी उन बच्चों को अप्रिशिएट किया, प्राइज़ के अंदाज़ में उन्हें जो है मोटिवेट किया। मज़ीद आज की ट्रांसमिशन के इख्तिताम पर एमआर न्यूज़ के चेयरमैन रेहान रूहानी साहब के तासुरात उनके ख्याल आप तक पहुँचाते हैं। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज के दिन के ख़ास तौर पे मुबारकबाद पेश करूंगा 12 रबीउल अव्वल के हवाले से, और दूसरे नंबर पे बुज़ुर्गों को मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि इस उम्र में उन्होंने बहुत एफर्ट किया और बहुत कोशिश की है। आज कल के नौजवान भी ये काम नहीं करते, जो बुज़ुर्ग उसको सजाया और बेहतरीन तरीके से उसे मेंटेन करके, मैं इन्हें अप्रिशिएट भी करूँगा और सरप्राइज़ भी देना चाहता हूँ। जी नाज़रीन, लैया में एक और दोस्त के साथ हम मौजूद हैं जिन्होंने ये पहाड़ी खूबसूरत सजाई है और बहुत ही अच्छी एफर्ट की है, बहुत ही अच्छे अंदाज में 12 रबीउल अव्वल को सेलिब्रेट कर रहे हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, उनकी आमद पर जो है जश्न मना रहे हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अदनान शाह। अदनान शाह साहब, क्या कहेंगे आज के दिन की मुनासबत के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत है और हमें ये पूरे ही जोश से हम सेलिब्रेट करने चाहिए, मनाने चाहिए। रेहान रूहानी साहब वो यहाँ पर मौजूद हैं और आपकी इस एफर्ट पर आपको अप्रिशिएट करने के लिए प्राइज़ देना चाहते हैं। थैंक यू सर। तो मैं आपको सबको 12 रबीउल अव्वल की मुबारकबाद पेश करूँगा और आपने इतनी मेहनत की, एफर्ट की, उसकी वजह से मैं आपको सरप्राइज दे रहा हूँ। अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दें और तरक्कियाँ दें। थैंक यू। जी नाज़रीन, आज खुशी का दिन खूबसूरत अंदाज में मनाया गया। एमआर न्यूज़ ने इन खुशी के लम्हात में मज़ीद जो है इस खुशी को दोबाला किया। एमआर न्यूज़ के चेयरमैन ने ख़ुद जो है पहाड़ियों पर उनकी सेलिब्रेशन के मकामात पर पहुंचकर उन बच्चों को मोटिवेट किया, उन बच्चों को जो है सपोर्ट किया और बच्चों को अप्रिशिएट किया। ये अंदाज जो है एमआर न्यूज़ का आपने देखा, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और मुझे ख़ुद भी इन पहाड़ियों पर जो है विज़िट करके बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्जॉय किया। और माशाल्लाह हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है कोई आम बात नहीं, ये बहुत ख़ास दिन है। कायनात में सबसे बेहतर, प्यारा और ख़ूबसूरत दिन 12 रबीउल अव्वल का दिन है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलम के लिए, तमाम दुनिया के लिए, तमाम जहानों के लिए रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजे गए। तो हम सब चाहे मुसलमान हों, चाहे किसी और जो है फ़िरका से, किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार हम हर हवाले से करते हैं और कर सकते हैं। तो इसी मोहब्बत के अंदाज के साथ अपने मेज़बान ताहिर अब्बास बलोच को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों और मज़ीद अपडेट के लिए हमारे चैनल एमआर न्यूज़ एचडी को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और मज़ीद हमारे साथ जुड़े रहिए। ताहिर अब्बास बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।